हेलो फूडीज, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं दही भल्ले की रेसिपी। आज हम आपके साथ बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम भल्ले बनाने जा रहे हैं, जो इतने ज़्यादा सॉफ्ट होंगे कि आपके मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट ये हमारे दही भल्ले बनकर रेडी हुए हैं। और इसमें एक ट्रिक होता है दही भल्ले बनाने का, जो आपके भल्ले को बिल्कुल सॉफ्ट करता है, तो वो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, उड़द की दाल ली है आधा कप, इसको मैंने भिगो दिया है, तो अब ये क्वांटिटी में डबल हो गई है। इसको 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दीजिएगा पानी में, और पानी मैंने इसका स्टेन कर दिया है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंडर में डाल के। अब जब इसे पीस रहे हो आप, तब इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, कम से कम पानी डालकर आप इसको पीसिएगा। इसको बिल्कुल पतला नहीं करना है, अगर ये ज़्यादा पतली हो जाती है तो आपके भल्ले बिल्कुल ढीले से बन जाते हैं, वो फॉर्म नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। पानी का यूज़ मैंने बहुत कम किया है, सिर्फ 2 चम्मच के करीब ही पानी इसके अंदर डाला है। अब हम इसे एक बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। अब हमने इसको फेंटना है। दही भल्ले बनाने में जो हलवाई ट्रिक लगाते हैं वो ये होता है कि जब आप इसकी पेस्ट बना लेते हो तो इसको आप 5 से 7 मिनट के लिए लगातार फेंट लेंगे। थोड़ा सा इसमें नमक डाल लेते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे चम्मच से नहीं फेंटना है इसको, आपने अपने हाथों को अच्छी तरह धो लेना है। धोने के बाद आप अपने हाथों से फेंटेंगे इसे। जब हम इसे हाथों से फेंटेंगे तब इसके अंदर अच्छी सी एयर आ जाएगी और ये काफ़ी फ्लफी हो जाएगा। और कब तक फेंटना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले लगातार 5 मिनट आप इसी तरह फेंट लीजिए, फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये कैसे रेडी हो जाएगा। तो लीजिए, 5 मिनट मुझे फेंटते हुए हो गए हैं। अब हम इसे चेक करेंगे कि हमारा ये जो मिक्सचर है ये रेडी है कि नहीं। यहाँ पे पानी लेते हैं कटोरी में और इसके अंदर थोड़ा सा बैटर डाल देते हैं। ये थोड़ा सा मिक्सचर डालेंगे और चेक करेंगे। ये देखिए, ये पानी के ऊपर तैर रहा है। अगर ये पानी के अंदर चला जाता है, बिल्कुल नीचे बैठ जाता है, तो इसका मतलब है अभी आपको और भी फेंटना है इसे। अगर ये ऐसे फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब है ये रेडी हो गया है। अब इस बैटर को हम उसी में डाल लेते हैं और अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और लीजिए, हम अब बनाने जा रहे हैं भल्ले। ऑयल को आप गर्म होने के लिए रख दीजिए। ऑयल आप इसे मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लीजिए। यहाँ पे एक दूसरा बाउल लेते हैं, इसके अंदर पानी डाल लेंगे आधा लीटर के करीब, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच नमक का डाल लेते हैं, और इसके अंदर थोड़ी सी हींग डाल लेंगे। हींग जो होती है वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। 2 से 3 चुटकी भर इसके अंदर डाल लीजिए और इसे अब आप मिक्स कर लीजिए। ये पानी आपके काम आएगा जब आपके भल्ले रेडी हो जाएंगे। इसे आप साइड में रख दें और अब हम भल्ले बनाना शुरू करते हैं। ऑयल है जो वो हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम वन बाय वन डाल देंगे भल्ले। और मैं बहुत बड़े साइज़ के भल्ले नहीं बना रही हूँ, मीडियम साइज़ के बना रही हूँ। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। आप देखिए, जब आप इसको ऑयल में डाल रहे हो तो ये भल्ले बिल्कुल भी नीचे नहीं जा रहे हैं, ऑयल के ऊपर ही फ्लोट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका जो मिक्सचर है ये बहुत ही अच्छा रेडी हुआ है। और कई बार ऐसा होता है कि भल्ले हमारे नीचे तले में चिपक जाते हैं, तो ये जो झंझट है ये भी नहीं होगा बिल्कुल भी, और आपके जो भल्ले बनेंगे बहुत ही परफेक्ट बन के आएंगे। आप जितना आपका सरफेस है इस कढ़ाई का, आपके बर्तन का, उतने आप भल्ले डाल दीजिए इसके अंदर और इन्हें फिर फ्राई होने तक वेट कीजिए। अब लीजिए, भल्ले हमारे डल चुके हैं, 1 मिनट हो गया है। अब हम इन्हें इनके ऊपर से तेल डालेंगे इस तरह। ऑयल को हम ऊपर की तरफ डाल देंगे ताकि नीचे की तरफ तो ये पक ही रहे हैं, ऊपर की तरफ भी पक जाएं अच्छी तरह, और ये अपने आप सरफेस को छोड़ देंगे। और आप इन्हें टर्न कर दीजिए, बीच बीच में चलाते हुए आपने इसे पका लेना है। 3 से 4 मिनट में ये भल्ले हमारे बनकर रेडी हो जाते हैं। अब हम इन्हें टर्न कर लेते हैं, ऐसे ही हम चलाते हुए 3 से 4 मिनट पकाएंगे और उसके बाद ये रेडी हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कितने छोटे साइज के आपने भल्ले डाले थे, लेकिन अब फूल कर ये काफ़ी बड़े हो गए हैं साइज में। हमने कोई भी सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ भी इसमें यूज़ नहीं किया है। तो लीजिए, भल्ले हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। हम इन्हें निकाल लेंगे ऑयल में से और थोड़ा सा ठंडा करेंगे।
पानी में डायरेक्टली आपने गरम नहीं डालने हैं, बिल्कुल थोड़ा सा ठंडा करते हुए उसके बाद हम इसे पानी में डालेंगे। तो इन्हें निकाल कर हम साइड में रख देंगे। इतने में हम दूसरा लॉट भी फ्राई कर लेंगे। लीजिए, ये बिल्कुल अच्छी तरह रेडी हो गए हैं, कलर भी अच्छा आ गया है इनके ऊपर। इसी तरह हमने सारे लॉट अपने फ्राई कर लेने हैं। फ्राई करने के बाद हम इन्हें थोड़ा सा ठंडा करेंगे। अब भले हमारे थोड़े से ठंडे हो गए हैं, हम इसे पानी में डाल देंगे। जो पानी हमने रेडी करके रखा था, इसे हमने डिप करके रख देना है 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसे दबा कर इसका पानी निकाल लेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद इसे चेक करते हैं। लीजिए, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, ये काफ़ी फूल गए हैं। अब हमने क्या करना है, अपनी हथेली पे इनको रखना है और इस तरह दबा देना है दूसरी हथेली से। तो इनमें जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा निकल जाएगा। और पानी निकाल कर आप इन्हें रख लीजिए किसी डिब्बे में डालकर। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हो। 1 हफ्ते तक आप इसे स्टोर करके रख लीजिए फ्रिज के अंदर। ये ख़राब नहीं होते हैं। जब भी आपका दही भल्ले खाने का मन करे, आप इन्हें दही में डालिए, चटनी डालिए, तो ये भल्ले रेडी हो जाते हैं। तो सभी भल्लों का पानी हम निकाल लेते हैं। पानी में बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपने, नहीं तो ये भल्ले आपके। सारे भल्ले मैंने इस तरह स्क्वीज कर लिए हैं, पानी निकाल लिया है। आप पानी देख सकते हैं, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल था इसके अंदर वो सारा निकल चुका है। और ये जो भल्ले हैं अब बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, तेल इनमें से निकल गया है। यहाँ पे मैंने दही लिया है। दही को हम अच्छी तरह फेंट लेंगे। इसमें जो गुठलियाँ हैं वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब हम इसके अंदर डाल लेते हैं थोड़ी सी चीनी। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे चीनी का डाला है। दही के खट्टे को बैलेंस करने के लिए 1 चम्मच चीनी डाल लेंगे। आधा चम्मच नमक का डाल लेते हैं। और यहाँ पे डालेंगे इसके अंदर भुना हुआ जीरा आधा चम्मच। और अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्ची। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। बस इतने ही मसाले हमने डालने हैं। बाकी के जो भी मसाले होंगे वो जब हम प्लेटिंग करेंगे उसके अंदर डालेंगे। इसे आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो लीजिए, दही अब हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। अब प्लेट में हम भल्ले डाल लेंगे जो हमने जिनका पानी निकाल के रखा है। 4 से 5 भल्ले डाल लीजिए आप। अब इसके ऊपर डालेंगे हम फेंटा हुआ दही जो हमने बना कर रखा है। दही के अंदर हमने मसाले तो डाल ही लिए थे, अब हम ऊपर से भी थोड़े थोड़े डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच भर के हमने दही के इसके ऊपर डाल लिए हैं। यहाँ पे इसके ऊपर डालेंगे ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी मैंने धनिया और हरी मिर्च और दही के साथ मिलाकर बनाई है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे पेज पे है, आप चेक कर सकते हैं। तो 1 चम्मच भर के हमने हरी चटनी का डाल दिया है। अब हम डालेंगे इमली की चटनी। इमली की चटनी का जो वीडियो है वो भी हमने अपने पेज पे अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से देखकर बना सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच भर के इसके ऊपर इमली की चटनी डाल देते हैं। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से कटे हुए प्याज, थोड़ा सा दही, ऐसे मिक्स करके डाल लेते हैं। दही में थोड़ा सा और डाल रही हूँ क्योंकि इसका टेस्ट दही के साथ ज़्यादा आता है। अब इसके ऊपर से थोड़े से मसाले डालेंगे। यहाँ पे हम लाल मिर्ची स्प्रिंकल कर देते हैं इसके ऊपर, थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा। इसी तरह सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी स्प्रिंकल कर दीजिए तो इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी काली मिर्ची भी इसके अंदर डाल देते हैं तो काली मिर्ची का टेस्ट भी अच्छा आता है इसके ऊपर। तो ऑलमोस्ट हमारी ये प्लेट रेडी हो गई है। अब हम इसके ऊपर थोड़े से कटे हुए प्याज डाल देते हैं, उससे भी इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। अब इसके ऊपर से आप चटनियाँ जैसे भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो लीजिए, बहुत ही सॉफ्ट मुलायम दही भल्ले बनकर रेडी हो गए हैं। आपको इन्हें खाकर मज़ा आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। आप इस ट्रिक को यूज़ कीजिएगा जो मैंने आपको बताई है, तो आपके भल्ले बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। कई लोगों की ये कंप्लेंट थी कि हमारे दही भल्ले अच्छे नहीं बनते हैं, हार्ड बनते हैं। तो आज मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया है। आपको वीडियो कैसा लगा है आप हमें बताइएगा ज़रूर। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।